Hello children, how are you? Welcome to this new academic session. I am Padmam Goswami here, teaching you chapter 1 of class 7th. The topic of the chapter is Desh. Kavita prarambh karne se pehle, main do panktiyan desh ke liye bolna chahungi. जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश कविता के रचनाकार हैं शेर जंग गर्ग, जो स्वाधीनता संग्राम के एक क्रांतिकारी सेनानी थे। शेरजंग गर्ग हिंदी भाषा के महान कवि का जन्म देहरादून उत्तराखंड में 29 मई सन 1937 को हुआ था। गजल और कविताओं के लेखन में उन्हें महारत हासिल है। उनके द्वारा रचित बहुत सी बाल कविताएं हैं। बाल रचनाओं में उनकी प्रमुख कृतियां हैं गुलाबों की बस्ती, गीतों के इंद्रधनुष, नटकट गीत आदि। क्या हो गया कबीरों को उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है। उनके द्वारा रचित 100% प्रतीक्षित पल कविता संग्रह भी लोकप्रिय रहा। इस कविता में देश और देशवासियों के बारे में कहा गया है कि उन्नत और सुखी देश वही है जहाँ के नागरिक स्वाभिमान और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हों, और जहाँ हर धर्म और जाति के लोग आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे हों। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का काम नहीं होता है देश। देश केवल संसद सड़कों आयोगों का या फिर ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है। अगली पंक्तियां हैं। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकानें। कवि कहते हैं कि सीमाओं से घिरा मकान या सजी हुई ऊंची दुकानें देश नहीं होती है। अगली पंक्तियां हैं। देश नहीं क्लब जिनमें बैठे करते रहे सदा हम मौज, देश नहीं बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। देश कोई क्लब नहीं होता है जहां हम हमेशा हम मौज करते रहे। देश न वो न तो बंदूकें होती हैं और न ही फौज। अगली पंक्तियां हैं। जहां प्रेम के दीपक जलते, जहां प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश, जहां इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। कवि कहते हैं जहां प्रेम के दीपक जलते, जहां मनुष्य आपसी भाईचारे और प्रेम से रहते हैं वही देश उन्नत देश है, और जहां व्यक्ति ठान लेता है कुछ करने की, अपने इरादों पर अटल होता है वही देश सुखी देश है। हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश, सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। हर व्यक्ति के दिल में हृदय में शौक होते हैं और वहीं पर देश होता है।
सज्जन सीना ताने चलते का तात्पर्य है ईमानदार व्यक्ति, अगर ईमानदारी से व्यक्ति अपना कार्य करता है तो वह बिना भय के जीवन में निरंतर आगे बढ़ता जाता है। अगली पंक्तियां हैं, देश वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती हैं परचम। कवि कहते हैं देश सचमुच वही होता है जो कदम कदम पर आगे बढ़ता जाता है, और जहां एकता में अनेकता का परचम या झंडा हमेशा लहराता रहता है। अंतिम पंक्तियां हैं, पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश, एक दमकता सत्य बनेगा नहीं रहेगा सपना देश। कवि कहते हैं पहले हम खुद को पहचाने फिर अपना देश। जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलते हैं उनके सपने हमेशा पूरे होते हैं। बच्चों, यह कविता मनुष्य के स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना निहित है, और इस कविता के प्रश्न उत्तर और अभ्यास आप अपने आप करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।